अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ़ायज़ा मीर यूट्यूब चैनल। तो चूँकि आपने सुना ही होगा, लास्ट वीडियोस में मैंने कहा था कि मैं आपको कोई सरप्राइज़ कुछ न्यू कंटेंट में लेके आ रही हूँ, तो वो क्या है तो मैं आपसे अभी वो बात शेयर करने चली हूँ। सबसे पहली बात, ना तो मैं आपको कोई कुकिंग, ना ही मैं आपको कोई ब्यूटिशन, यहाँ पे कोई मेकअप होने वाला है, ना ही यहाँ पे कोई खाना पकाने का कोई सेगमेंट होने को है, ना ही यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट वाली बात होने को है। यहाँ बात करेंगे लाइफ, यानी कहानी आपकी सुनाऊंगी मैं, रहती दुनिया को मैं आपकी असल ज़िंदगी की रियल स्टोरी, लेकिन असली कहानी। सबसे पहली बात, मैं किसी की फेक स्टोरीज़, कोई ड्रामेटिक यहाँ नहीं होने वाला, कोई ड्रामा नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप अपनी असली कहानी मुझसे शेयर करेंगे और उस कहानी को आगे तक मैं लेके जाऊँगी। चाहे आपके साथ कुछ भी ज्यादती हुई है ज़िंदगी में, कुछ भी गलत हुआ है, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपका कोई ज़मीन और जायदाद के तनाज़ों पे आपके साथ कुछ गलत हुआ, आपके कुछ भी फैमिली मैटर्स हैं, एक्स वाई ज़ेड जो भी हैं, तो अगर आप शेयर करना चाहते हैं कि आपको इंसाफ़ मिले और वो लोग इंसाफ के कटहरे में खड़े हों जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो आपको अपनी स्टोरी मुझ तक पहुंचानी होगी। उसका तरीका यह है कि हैशटैग फ़ायज़ा मीर करके आपने अपनी स्टोरी को मुझे कमेंट्स करना है, तो फिर उसके बाद मैं आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लूँगी, चाहे जैसे भी करूँ वो मेरा प्रॉब्लम है। आपने जस्ट अपनी रियल स्टोरी मुझसे शेयर करनी है, चाहे आप मर्द हैं, चाहे आप औरत हैं, चाहे आप जो भी हैं, बस अपनी कहानी को शेयर करें ताकि आपको इंसाफ़ मिले और रहती दुनिया तक अच्छा एक मैसेज जाए कि यार इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, अच्छा किसी के लिए सोचते हैं, बिना किसी मुआवजा के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी लालच के, बगैर किसी लालच के। मुझे आपसे कोई सरोकार नहीं है, मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, जस्ट मैं आपकी स्टोरी को आगे तक लेके जाऊंगी। क्योंकि मेरा ताल्लुक, मेरा जो बैकग्राउंड है वो मीडिया से रहा है, मैं मीडिया से रिलेटेड बंदी हूँ, तो थोड़ा सा ये है कि जर्नलिस्ट टाइप की अब थोड़ा सा ऐसा है कि ये मुझ में आ चुकी है कि मैं किसी की फ्रीलांस, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं कर रही, फ्री लॉन्स आपकी कहानी मैं आगे तक लेके जाऊँगी, आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी, ठीक है। तो इसलिए अपनी कहानी मुझसे शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ मिलती रहें। तो अपनी असल कहानी मेरे साथ शेयर कीजिए, हैशटैग फ़ायज़ा मीर लगाना मत भूलिए, और अपनी कहानी जो भी है मुझसे शेयर करें। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी टीवी पे आए, लोग देखें, असली कहानी होनी चाहिए, सिर्फ ये याद रखिएगा, कोई फेक स्टोरी, कोई ड्रामेटिक स्क्रिप्टेड मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।